अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी डाइटिशियन हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। 80% फीमेल्स ओवरेन सिस्ट की प्रॉब्लम से परेशान रहती है। हर महीने पीरियड्स नहीं आ रहे या पीरियड्स आने के बाद बंद नहीं हो रहे, अंडे नहीं फूट रहे हैं या अंडे सिस्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इस कारण उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो अगर आपको भी ओवरेन सिस्ट का प्रॉब्लम है, वैसे तो सिस्ट में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का ओवरेन सिस्ट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका ओवरी का सिस्ट रिड्यूस भी हो जाएगा नेचुरली और आप कंसीव भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है, अभी लाइक कर लीजिए वीडियो को। अगर आपको सिस्ट का प्रॉब्लम है, वैसे सिस्ट में बहुत सारे फॉर्म आते हैं, नॉर्मल फॉलिकुलर सिस्ट होती है, हेमरोजिक सिस्ट होती है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है, चॉकलेट सिस्ट होती है, एंडोमेट्रोसिस सिस्ट होती है। ये सारी सिस्ट में अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपके साथ होम रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, आपकी सिस्ट नॉर्मली रिड्यूस हो जाएगी और आपकी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ऑपरेशन के ही आप लोग अपनी सिस्ट की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है जिंजर वाटर, अदरक का पानी। इसके लिए आपको एक कप नॉर्मल पानी ले लेना है, उसको बॉइलिंग के लिए रख देना है और एक थम के जितना, इतना थम के जितना अदरक आपको कद्दूकस करके ले लेना है, उस पानी में ऐड करके पिंच ऑफ टर्मरिक आपको ऐड कर लेना है। टर्मरिक जब आप ऐड करेंगे तो इस पानी को कम से कम 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। छान के आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक शाम में 5 से 6 बजे के टाइम पे आप इसको सकते हैं। तो दिन में 2 बार आपको लेना है। अगर आप साथ में बेबी प्लानिंग भी कर रहे हैं तो ये जिंजर वाटर आप पीरियड के फर्स्ट डे से ओनली 20 डे तक लेंगे, फुल मंथ आपको नहीं लेना है। और अगर आपको हीट का प्रॉब्लम है, बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो आप लोग ये जिंजर वाटर को अवॉइड करेंगे। बाकी जो आगे मैं आपको टिप बताने वाली हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड जो होम रेमेडी है वो है गिलॉय जूस। गिलॉय जूस आप मार्केट में मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाएंगे, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको प्लेन गिलॉय जूस लेना है, उसमें आपको तुलसी मिलावा या आंवला मिलावा नहीं लेना है, सिर्फ प्लेन गिलॉय जूस लेना है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच आपको गिलॉय जूस लुक वार्म 1 कप पानी के अंदर हल्के गुनगुने पानी में 2 बड़े चम्मच मिक्स करके एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक रात को डिनर के बाद ले लेना है। इससे भी आपकी ओवरेन सिस्ट का साइज रिड्यूस होता है। ये आपको फुल मंथ लेना है, इवन आप ट्राई भी कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो भी ले सकते हैं, पीरियड के दिनों में भी ले सकते हैं, इससे आपका साइज बहुत जल्दी श्रिंक होता है। तीसरी होम रेमेडी है दालचीनी का पानी। दालचीनी का पानी आप ऐसे ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून से आप शुरू करेंगे अगर आपको सूट हो जाता है, क्योंकि ये भी थोड़ा हीटिंग करता है बॉडी के अंदर। अगर आपको सूट हो जाता है तो आप धीरे धीरे 1 टीस्पून तक भी लेके जा सकते हैं। 1/2 टीस्पून 1 कप वाटर में मिक्स करके ब्रेकफास्ट के बाद और एक रात को डिनर के बाद लेना होता है, फुल मंथ के लिए इंक्लूडिंग पीरियड। तो इससे क्या होता है, इससे भी आपका जो सिस्ट का साइज है वो श्रिंक होता है। ये हो गई थर्ड होम रेमेडी, फुल मंथ आपको लेना है। फोर्थ होम रेमेडी है काचनार गूगल। काचनार गूगल की टैबलेट भी आती है और आपको ये पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा। अगर आपको पाउडर्स पसंद नहीं है तो आप लोग टैबलेट भी ले सकते हैं, सुबह में 1 टैबलेट ब्रेकफास्ट के बाद और 1 रात को टैबलेट डिनर के बाद आप ले सकते हैं, इससे आपके ओवरी का साइज श्रिंक होता है। इवन जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनको भी काचनार गूगल सजेस्ट किया जाता है। तो आपको अगर थायराइड नहीं भी है तो आप सिस्ट के लिए इसको ले सकते हैं, और अगर सिस्ट के साथ थायराइड भी है तो ये और बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। बट थायराइड की गोली नहीं छोड़नी है, काचनार गूगल लेते हुए आप थायराइड की गोली भी लेंगे अपनी। कुल आप अगर पाउडर ले रहे हैं 1 टीस्पून 1 कप वाटर में मिक्स करके ब्रेकफास्ट के बाद 1 बार और 1 रात को डिनर के बाद फुल मंथ के लिए लेंगे, वैसे ये टैबलेट भी फुल मंथ के लिए आपको लेना है। तो ये कुल मिला के 4 होम रेमेडीज है जो आपकी ओवरेन सिस्ट को डायरेक्टली रिड्यूस करती है और आपके कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाती है। अब कंसीव करने के चांसेस कैसे इफेक्ट होते हैं, जब आपकी ओवरी में सिस्ट बनता है तो ये आपके दूसरे अंडे को इफेक्ट करता है, अंडे बनने नहीं देता, रप्चर होने नहीं देता या तो क्वालिटी खराब कर देता है, जिसकी वजह से आपके या तो अंडे नहीं बनते या तो अगर अंडे बन भी रहे तो क्वालिटी खराब हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिस्ट का साइज है उसको श्रिंक करते हुए आपको बेबी प्लानिंग भी करना है,
ये नहीं सोचना है कि पहले मेरी ओवरी का सिस्ट पूरा निकल जाए फिर मैं बेबी प्लानिंग करूंगी। अगर छोटी मोटी सिस्ट है तो आप बेबी प्लानिंग भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको, सिस्ट बहुत बड़ी है, तो पहले आप उसको ठीक करके ही फिर बेबी प्लानिंग करिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा होता है जब सिस्ट का साइज बढ़ता है तो उनका वेट रैपिडली गेन होता है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, कॉन्टैक्ट में रहने पे पेन होता है, ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो पहले आप अपनी ओवरी के साइज को थोड़ा श्रिंक हो जाने दीजिए, सिम्टम्स को कम हो जाने दीजिए, फिर आप बेबी प्लानिंग करिए। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मैंने आपके साथ में जो होम रेमेडी शेयर की है ये ट्राई एंड टेस्टेड है, मैं अपने पेशेंट्स पे ट्राई कर चुकी हूँ जिनका ओवरी एंड सिस्ट नेचुरली रिड्यूस हुआ है बिना किसी ऑपरेशन के, और पेशेंट्स ने कंसीव भी किया है। तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारे न्यू वीडियोस आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू है, सिस्ट का साइज बहुत बड़ा है, नेचुरल होम रेमेडी ट्राई करते हुए भी वो सिस्ट का साइज नहीं जा रहा है, नहीं कम हो रहा है, या आप कंसीव नहीं कर पा रहे, कोई भी इनफर्टिलिटी इशू है, तो आप लोग मुझसे पर्सनल कंसल्ट भी कर सकते हैं। ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आई वांट अपॉइंटमेंट, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको बताएगी। डीपी पे भी हमने सारी इन्फॉर्मेशन लगाई है व्हाट्सअप के, अपॉइंटमेंट की फीस, प्रोसीजर, सारी चीज़ें। और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.hinahealth.in। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट की सुविधा अवेलेबल है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो अंधेरी वेस्ट में हमारा क्लिनिक है, आप आके भी विजिट कर सकते हैं। किसी अदर सिटी, अदर स्टेट से है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे 80% पेशेंट ऑनलाइन ही कंसल्ट करके कंसीव करते हैं, तो आपको कोई भी इशू है आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।